नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टीच बीसी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, काफी सारे अपने ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग वेबसाइट में जाके आपने ऑडियो ऑडियो और वीडियो डाउनलोड किया होगा। आप डीजे वाले भी हो सकते हैं, तो आप डीजे सॉन्ग भी डाउनलोड किए होंगे। आपको पता है कि वो डीजे वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है और ये म्यूजिक डाउनलोडिंग वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है? अगर आपको नहीं पता है कि डीजे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लास्ट तक का इस वीडियो को देखिए, आप ऑडियो डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बता रखा था पीएचपी वेबसाइट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। कुछ फ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही थी उसे डाटाबेस बनाने में, या फिर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी और इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। कोई दोस्तों को इंस्टॉल हो भी जाता था तो उसे प्रॉब्लम आता था, कैटेगरी पेज उसे खुल नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वीडियो को पूरी देखा कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, इसलिए आपका वेबसाइट ऑलरेडी तैयार नहीं होता है और आपका प्रॉब्लम आती है आपके वेबसाइट में। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले अपना सी पैनल को ओपन कर लेना है। तो मैं सी पैनल को अपना ओपन कर रहा हूँ। सी पैनल ओपन करने के बाद आपको जाना कहाँ है, आपको फाइल मैनेजर पे। उसके बाद बात आती है आपको स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई वेबसाइट पे मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, अगर अपलोड करूँगा तो वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा। अभी तत्काल मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ पे जाइए, इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आना है और पवली HTML के अंदर स्क्रिप्ट मेरा यहाँ पे, ये देखिए मेरा स्क्रिप्ट ये इस जगह है। तो एडमिन TBC ये स्क्रिप्ट, एक न्यू स्क्रिप्ट बनाया है मैंने, तो वो स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कह रहा है, तो आप जहाँ कहीं भी अपना रखे हो स्क्रिप्ट, मैंने तो अपना डेस्कटॉप पे रखा हूँ, ये देखिए एडमिन डॉट यहाँ माइनस उसके बाद TBC, इसे ओके किया, ये अपलोड हो रहा है। ये अपलोड हो रहा है, तब तक मैं अपना इधर सी पैनल को ओपन कर लिया हूँ। इधर फ्रंट पे थे, यहाँ पे आना है आपको MySQL डाटाबेस। आप यहाँ से बना सकते हो और यहाँ से बना सकते हो, दोनों ही विषय में आपको डाटाबेस तो बनाना ही पड़ेगा, है ना फ्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ पे आइए, ये देखिए अपना अपलोड भी हो गया, मैं गो बैक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर ले, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम है इस स्क्रिप्ट में इंस्टॉल करने में, वीडियो को पूरी देखिए, बाद में आप नहीं भूलिएगा कि मेरे से इंस्टॉल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करना है, आपको डाटाबेस आपको क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम रख लेता हूँ, अगर यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट ये न्यू डाटाबेस। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस बनाना होगा, डाटाबेस बना लेता हूँ, WAP कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्रिएट डाटाबेस। मैंने डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूँ, यहाँ पे गो बैक पे मैंने क्लिक करना है। गो बैक पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू डाटाबेस आपने बना लिया हूँ, आपने पहले ही बना चुका है। अब ये नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ MySQL यूज़र, आपको यहाँ पे यूज़र बनाना है। तो यूज़र आपको बनाना है यहाँ पे, मैंने यूज़र भी यहाँ पे लिख लेता, WAP दोनों का नाम मैंने यहाँ पे सेम रख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड जनरेटर से पासवर्ड सिंपली जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आई क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे यूज पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड को यूज कर लिया हूँ, तो स्वयं पासवर्ड था, ये दोनों बन चुका है। फिर यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, ध्यान से नीचे आइएगा, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ऐड यूजर टू डाटाबेस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट होना चाहिए WAP और यहाँ पे डाटा WAP, यानी कि जो नाम आपने सेलेक्ट किया सेम को से यहाँ पे उतार लेना है, यूज़र भी और डाटाबेस, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू कुछ खोल लेना है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट खोल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे सेव किया था, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद फिर से और ये अपना गाना .wap यूज़र और डाटाबेस दोनों को यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करना है, इसे भी इसी तरह सेव करके रखना है। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया दोनों को, ठीक है फ्रेंड।
दोनों को सेव करने के बाद यहाँ पे ऑल परमिशन यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए कहीं पे छूटे ना, सारे में सिलेक्ट होना चाहिए। मैक चेंजेस करने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही का टिक का निशान आ जाएगा आपको, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर जाना है, जहाँ पे आपने स्ट्रैक किया था अपने स्क्रिप्ट को। यहाँ पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्ट डॉट स्क्वेल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नीचे में, ठीक है, इम्पोर्ट डॉट स्क्वेल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड यहाँ देखिए डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद इसे शो इन फोल्डर करें, कहाँ पे ये हुआ देखिए यहाँ पे डाउनलोड में आ चुका है। यहाँ पे इम्पोर्ट डॉट एसक्यूएल नाम इसे लिखा हुआ, और ये जो है इसे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर लेना है। मैंने इसे डिलीट कर लिया, तो डाउनलोड करके तब डिलीट करना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखा हो INC, INC पे क्लिक करना है। INC पे क्लिक करने के बाद नीचे आइए, नीचे थोड़े से आइए, यहाँ पे लिखा हुआ configure.php, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे एडिट कर लें, राइट क्लिक करके एडिट कर लें। राइट क्लिक करने के बाद इसे एडिट पे क्लिक कर दें, एडिट पे क्लिक करने के बाद एडिट कर लें। एडिट खुलता है, आपको एडिट का ये पेज खुल गया। यहाँ पे आपको डाटाबेस का नाम सब डालना है, तो जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसे कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ यूजर, ये यूजर सॉरी फ्रेंड ये एडमिन, यहाँ पे यूजर लिखा हुआ, यूजर को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ यहाँ पे यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर नेम में आपको डालना है। मैंने कंट्रोल भी से डाल दिया, फिर से खोलना है। फिर से खोलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ डाटाबेस को भी आपको यहाँ से कॉपी करना है। मेरे तो दोनों ही सेम है, मैं दोनों सेम कहीं भी डाल सकता था, और आपके विषय में चेंज हो तो आप चेंज से डालिए, कंट्रोल भी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड भी ले लीजिए जो पासवर्ड आपने रखा था, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पासवर्ड आपको रखना है नीचे, कंट्रोल भी, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अगर अभी वेबसाइट आपका वर्क नहीं करता होगा, आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा फिर से बैक एडमिन सी पैनल के अंदर। सी पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है। आपने जो SQL फाइल को डाउनलोड किया तो उसे क्या करना है, कोई झाल मुड़ी तो नहीं खाना है, उसे भी कोई काम ही है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे WAP यहाँ पे लिखा हुआ था, अब जो आपने यूज़र बनाया था और डाटाबेस जो बनाया था ये रहा ये, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल करना है। चूज फाइल करने के बाद आपको जहाँ पे हुआ है, मुझे तो डाउनलोड में हुआ था, डाउनलोड में मैंने गया डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे SQL फाइल लिखा हुआ है import.sql, यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक करना है सिंपली। क्लिक करने के बाद थोड़ी सा हाँ, तो यहाँ पे SQL सक्सेसफुली फिनिश हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक नया टैब खोल लें। नया टैब खोलने के बाद आप अपना डोमेन का नाम लिखें, अपना गाना .ml सर्च। फ्रेंड ये क्या आ रहा है, इसमें CSS तो नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे फिर से अपना इस फाइल में यहाँ पे आना जहाँ पे आपने SQL को डाला था। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें सेटिंग पे, इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग, ये फ्रेंड यहाँ पे सेटिंग होगा, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइट URL पे आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। आपका जो URL है यहाँ पे डाल दीजिए, मेरा URL क्या था ये देखिए, अपना गाना .ml, मैंने यहाँ से कॉपी किया SQL फाइल, यहाँ पाया SQL फाइल के अंदर। SQL फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी, ये साइड में जो लकीर है उसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि तो इसमें पहले से नहीं था। उस पर नीचे आएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको साइट का नाम रखना है तो उसे भी एडिट कर लें, ये देखिए यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, अपना साइट का नाम यहाँ पर रख लेता हूँ, जो आपको रखना है 100% यहाँ पर रख लें।
ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर नीचे आए, जो आपको लगता है कि चेंजिंग करने लायक है आपका वो आप चेंजिंग कर लें। फिर से बैक आए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइट लोगो, तो साइट लोगो भी आपको यहाँ से एडिट करना होगा या फिर वहाँ पे जाके नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसे फिर से रिलोड करता हूँ एक बार, तो देखिए फ्रेंड आपका CSS भी आ गया। ये CSS आने के बाद आपको एडमिन पैनल का खोलना होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ एडमिन पैनल कैसे खुलती है। यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एडमिन, ADMIN एडमिन। दोस्तों एडमिन डालने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगी, और पासवर्ड में आपको डालना है वो नोट करके रख लीजिए, इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि इसका पासवर्ड क्या है, तो इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 डालने के बाद खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है तो डाल दें यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ADMIN एडमिन। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए मेरा पासवर्ड फिर मेरा अपडेट हो चुका है पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैं देखता हूँ एडमिन, ADMIN एडमिन डालने के बाद यहाँ पे मैं खोलता हूँ, ये खुल गया। तो यहाँ पर आपको कर लेना है, आप सबको यहाँ पे साइट मैनेजर पे क्लिक करना है। साइट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप साइट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग और कुकीज सेटिंग, जो आपको फाइल सेटिंग, जो वाटर मार्क सेटिंग, जो सेटिंग करना है आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका एडवांस वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा कि इसे पूरी तरह से अपडेट कैसे किया जाता है, इसे कैसे यहाँ पे नीचे हम जो प्रोडक्ट बाय ये दिया हुआ है इसे कैसे हटाना है, मैं अगली वीडियो में मैं ये सब आपको डिटेल दूंगा। इसे CSS भी चेंज करना और इसे और एडवांस कैसे बनाते हैं तो वो वीडियो आने वाले समय में आपको मिल जाएगी। तो तब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करोगे तो मैं 100% आपका जवाब दूंगा, और मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, यहाँ से मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।